और अब 10 बज चुके हैं और भसीन जी के आने का वक्त। भसीन जी, गुड मॉर्निंग। आज तो बाजार में हर तरफ बाइंग है, हर सेक्टर में बाइंग है। एक टेक्निकल बाउंस बैक है। खैर, आप तो बुलिश व्यू देंगे, लेकिन फिर भी ये टेक्निकल बाउंस बैक है। आपको लगता है जिस रिवर्सल की आप वेट कर रहे थे, वो रिवर्सल आ गया है? गुड मॉर्निंग प्रियंका जी, हम तो रोज ही रिवर्सल की वेट करते हैं। थोड़े से बाल रह गए, वो भी रहेंगे, लेकिन आई एम वेरी श्योर आज नहीं तो मंडे से ट्यूजडे से द ओवर पेसिमिज्म हैज ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन। नाउ ओनली यू कैन गेट अ पुल बैक एंड द पुल बैक विल बी वेरी शार्प एंड देन वील डिसाइड वेयर, बट आई एम लुकिंग फॉर 17,000 एटलीस्ट टू बी टेस्टेड इन द नेक्स्ट वीक 10 डेज। दैट्स द एक्सटेंट ऑफ बेरिशनेस एंड दैट्स द टाइम ऑफ पुल बैक। आप देख सकते हैं today everything from Asian dollar, Asian yen to global commodities all are seeing another uptick. So slowly the market is discounting all the news of Fed tightening and so on. On the other hand, जो आपको US में data आ रहा है, that is very very proactive. और आपको मुझे लगता है कि India is in a very very sweet spot given के food inflation may have peaked and we think crude prices now the new Russian regime with a ruble trade will be much more favorable for India. कल के रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे थे, चाहे आरबीएल हो और स्टैंड आउट करता है मुझे लार्सन एंड टूब्रो। मार्जिन में थोड़ी दिक्कत आई, बट उनका जो 44% न्यू बिजनेस है वो मिडिल ईस्ट से है। और प्रियंका जी, विद ऑयल प्राइसेस बीइंग हियर, मिडिल ईस्ट इज द बेस्ट प्लेस टू डू बिजनेस बिकॉज आपकी रिसीवेबल्स विल बी फास्टेस्ट। तो 1540 में लीजिए L&T, 1500 का स्टॉप लॉस, 1675 से कम मत बेचिए। और दूसरा डीएलएफ के नंबर बहुत ही रोबस्ट आएंगे। आप देखिए ऑटो में कल आपको अशोक लीलैंड, अपोलो टायर और रिलायंस कहा था, तीनों आउट परफॉर्म कर रहे हैं। ऑटोज में जब तेजी है तो बैंक से फंडिंग है और रियल इस्टेट में बहुत ज्यादा डिमांड है, आपको मैं बता नहीं सकता कितना स्ट्रांग है। तो डीएलएफ इज माई सेकेंड पिक एंड थर्ड वुड बी द बेस्ट एंड द लार्जेस्ट बैंक जो बनेगा ICICI। डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी ऑफ बाइंग ICICI 694, स्टॉप लॉस ऑफ 678, टारगेट ऑफ 725 देन 730। तो भसीन साहब, आपके आज की कैटेगरी में एक L&T और ICICI बैंक है या इसके अलावा कोई और शेयर भी है सर? डीएलएफ सर, डीएलएफ पे मैं रीट्रेड कर रहा हूँ 320-325। डीएलएफ 365 जाएगा, इसके रिजल्ट आने हैं मेरे ख्याल नेक्स्ट वीक। बहुत ही शानदार रिजल्ट है, फर्स्ट टाइम वो डिविडेंड भी दे रहा है। भसीन साहब, आपने जो बोला ना कि पेसिमिज्म काफी ज्यादा ओवरब्लोन हो गया था, उसका मैं अब डेटा बताऊं आपको। एक कि कल मैं देख रहा था कि जो नंबर ऑफ स्टॉक्स 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड हो रहे हैं, कल शाम की फॉल में लोएस्ट सिंस कोविड क्रैश हो गए थे। इतने कम स्टॉक रह गए थे 200 डे के ऊपर कि ऐसा लग रहा था एकदम त्राही त्राही हो रही है, स्पेशली मिड कैप स्मॉल कैप एंड ऑफ द मार्केट में। तो आपको भी काफ़ी फोन कॉल्स आए होंगे, इस समय रिटेल सेंटिमेंट कैसा है, अगर आप कुछ बता सकते हैं? साइंस दिख रहे हैं कि ये कैपिचुलेशन शुरू हो गया? बिल्कुल, और वो आपको और बताऊं, लेकिन कॉन्फिडेंस भी बहुत है। अजय जी, मैं आज कलकत्ता जा रहा हूं, कल वहां पे इन्वेस्टर्स है और मेरे को कोई दो राय नहीं। जब मैं ये मंदी में जाता हूं, लोग बाग सिर्फ अच्छे शेयर लेने की पूछते हैं। दिस इज अनलाइक द बिहेवियर विच वॉज देयर प्रीवियसली, यू नो, के बाजार में घबराहट है। घबराहट तो ऑब्वियसली किसी के पास भी होगी, बट इंडियन इन्वेस्टर्स, आई मस्ट से, मेरे को 32-33 साल हो गए, मैंने कभी नहीं देखा कि इतना कॉन्फिडेंस है कि हम लेंगे। आप बताइए क्या लेना चाहिए। तो आई एम अमेज्ड एट द इंडियन बिहेवियर एंड दिस इज हियर टू स्टे। अब सारे बोलेंगे कि ये दे विल टर्न बैक और ये वो, आई डोंट थिंक सो। आई थिंक दिस मार्केट इज द पिलर बिहाइंड दिस मार्केट इज द वेरी स्ट्रॉन्ग सिप्स, और ये वो 10-10, 100-100 करोड़ वाले नहीं है, ये 2-2, 5-5 लाख वाले हैं जो लगाने को तैयार है और जिनको पता है कि इक्विटी एज एन एसेट क्लास इज हियर टू स्टे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी, हैव अ गुड डे अहेड। चलिए आगे चलते हैं और